आज मैं रुचिका हिंदी साहित्य के अंदर जो सर्वप्रथम है उससे रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आई हूँ। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, हिंदी साहित्य का प्रथम महाकाव्य कौन सा है? हिंदी साहित्य का प्रथम महाकाव्य कौन सा है? इसके विकल्प रहेंगे, विकल्प नंबर 1 पद्मावत, विकल्प नंबर 2 पृथ्वीराज दासो, विकल्प नंबर 3 विसल देव रासो, विकल्प नंबर 4 प्रिय परवास। फ्रेंड्स, हिंदी साहित्य का पहला महाकाव्य पूछा गया है जिसके ऑप्शन हैं पद्मावत, पृथ्वीराज दासो, विसल देव रासो और प्रिय परवास। इसका जो सही उत्तर रहेगा वो रहेगा पृथ्वीराज दासो, ऑप्शन नंबर 2। और यहाँ पे एक और क्वेश्चन बन जाता है कि जो पृथ्वीराज दासो महाकाव्य है उसके लेखक कौन कौन है? तो पृथ्वीराज दासो चंद बरदाए जी ने लिखा था और इसी को हिंदी साहित्य का प्रथम महाकाव्य माना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, अपभ्रंश के प्रथम कवि कौन थे? अपभ्रंश जो भाषा है उसके प्रथम कवि पूछे गए हैं। ऑप्शन है सरहपा, चंद बरदाई, स्वयंभू और आमिर खुसरो। अपभ्रंश के प्रथम कवि पूछे गए हैं तो इसका जो सही उत्तर रहेगा वो ऑप्शन नंबर 3 रहेगा, स्वयंभू और डॉक्टर राम कुमार वर्मा। डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने इनको अपभ्रंश भाषा का, सॉरी, डॉक्टर राम कुमार वर्मा जो थे इन्होंने इनको हिंदी का प्रथम कवि भी माना है, हिंदी भाषा का प्रथम कवि माना है स्वयंभू को डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने, और अपभ्रंश के प्रथम कवि भी स्वयंभू ही माने गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकाव्य कौन सा है? खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकाव्य कौन सा है? इसके ऑप्शन हैं प्रिय परवास, पृथ्वीराज दासो, पद्मावत और रामचरितमानस। खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकाव्य पूछा गया है। तो पहले हमने जो क्वेश्चन नंबर 1 में डिस्कस किया था वो था हिंदी साहित्य का प्रथम महाकाव्य, बट यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 में क्या पूछा गया है, खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकाव्य। तो कई बार गलती लग जाती है। तो हिंदी साहित्य का जो प्रथम महाकाव्य वो पृथ्वीराज दासो था, बट खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकाव्य जो है वो है प्रिय परवास, ऑप्शन नंबर 1। तो यहाँ पे ध्यान रखना है, अगर खड़ी बोली हिंदी का पूछा जाए प्रथम महाकाव्य तो प्रिय परवास आएगा, और अगर हिंदी साहित्य का प्रथम महाकाव्य की बात करें तो वो पृथ्वीराज रासो आएगा। तो यहाँ पे खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकाव्य है प्रिय परवास, और इसके जो लेखक हैं वो हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरि औध। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है यहाँ से कि प्रिय परवास की रचना किसने की थी, तो अयोध्या सिंह उपाध्याय हरि औध। और यहीं पे हरि औध का पूरा नाम भी पूछ लिया जाता है कई बार, तो इनका पूरा नाम है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरि औध। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, हिंदी का प्रथम उपन्यास कौन सा है? जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि आज हम हिंदी साहित्य के अंदर जो प्रथम है वो डिस्कस कर रहे हैं, तो यहाँ पे हमें क्वेश्चन नंबर 4 पे है कि हिंदी का प्रथम उपन्यास कौन सा है। इसके जो ऑप्शन है वो है कायाकल्प, प्रेक्षा गुरु, गोदान, देवरानी जेठानी की कहानी। हिंदी का प्रथम उपन्यास पूछा गया है
ऑप्शन है कायाकल्प, रिक्षा गुरु, गोदान या फिर देवरानी जेठानी की कहानी। फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, रिक्षा गुरु, जो है वो हिंदी का प्रथम उपन्यास है। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट कि रिक्षा गुरु के लेखक कौन है, तो वो है लाला श्री निवास दास। लाला श्री निवास दास, इन्होंने रिक्षा गुरु लिखा है और ये हिंदी का पहला उपन्यास माना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। हिंदी साहित्य के प्रथम सूफी कवि कौन हैं? हिंदी साहित्य के प्रथम सूफी कवि कौन थे? ऑप्शन है मलिक मोहम्मद जायसी, असाइत, मंजन और मुल्ला दाऊद। प्रथम सूफी कवि हिंदी साहित्य के मलिक मोहम्मद जायसी, असाइत, मंजन, मुल्ला दाऊद। फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, असाईत। और असाईत ने एक महत्वपूर्ण रचना लिखी है जिसका नाम है हंसा वल्ली। कई बार ऐसे क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है कि हंसा वल्ली की रचना किसने की है, तो वो है असाईत। और ये हिंदी साहित्य के पहले सूफी कवि माने गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। हिंदी के प्रथम कवि कौन है? हिंदी के प्रथम कवि कौन है? हिंदी साहित्य के प्रथम कवि पूछे गए हैं। ऑप्शन है चंद बरदाई, विद्यापति, जायसी, सरहपा। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, सरहपा। हिंदी के प्रथम कवि जो है वो सरहपा को माना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। हिंदी की प्रथम मौलिक कहानी कौन सी है? हिंदी साहित्य की प्रथम मौलिक कहानी कौन सी है? ऑप्शन है इंदुमती, पंच परमेश्वर, ग्राम और कानों में कंगना। तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, इंदुमती को हिंदी साहित्य की प्रथम मौलिक कहानी माना गया है। और इसके रचयिता जो हैं वो हैं गोस्वामी, जिनका पूरा नाम है किशोरी लाल गोस्वामी। किशोरी लाल गोस्वामी द्वारा रचित कहानी इंदुमती को हिंदी साहित्य की प्रथम मौलिक कहानी माना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखित प्रथम कहानी कौन सी है? मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखित प्रथम कहानी कौन सी है? फ्रेंड्स, जो लास्ट क्वेश्चन था उसमें पूछा गया था कि हिंदी साहित्य की प्रथम मौलिक कहानी कौन सी है, बट यहाँ पे ये पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 8 में कि मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखित पहली कहानी कौन सी है। और इसके ऑप्शन हैं पंच परमेश्वर, कफन, बड़े भाई साहब और सवा शेर गेहूं। फ्रेंड्स, ये चारों की चारों कहानियां मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखित हैं, बट हमें पूछा गया है कि प्रेमचंद की पहली कहानी कौन सी है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, पंच परमेश्वर। ये सबसे पहले लिखी थी कहानी मुंशी प्रेमचंद जी ने, और इसकी रचना हुई थी 1916 ईस्वी में, और ये मुंशी प्रेमचंद की पहली कहानी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। हिंदी साहित्य का प्रथम मौलिक नाटक कौन सा है? हिंदी साहित्य का प्रथम मौलिक नाटक कौन सा है? इसके विकल्प हैं नहुष, राजश्री, चंद्रगुप्त और विद्यासुंदर। हिंदी साहित्य का पहला मौलिक नाटक पूछा गया है और इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 1, नहुष। नहुष की जो रचना थी वो गिरधर दास जी ने की थी।
गिरधर दास, इनको गोपाल चंद नाम से भी जाना जाता है। ये दोनों एक ही हैं। गिरधर दास का ही दूसरा नाम गोपाल चंद है। और इनके द्वारा रचित नाटक जो कि नहुष है, हिंदी साहित्य का पहला मौलिक नाटक माना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, और आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। हिंदी साहित्य की प्रथम एकांकी कौन सी है? एकांकी पूछी गई है पहली। ऑप्शन है लक्ष्मी का स्वागत, पृथ्वीराज की आंखें, बादल की मृत्यु और एक घूंट। हिंदी साहित्य की पहली एकांकी पूछी गई है। ऑप्शन है लक्ष्मी का स्वागत, पृथ्वीराज की आंखें, बादल की मृत्यु और एक घूंट। तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, एक घूंट, जो कि जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित एकांकी है और हिंदी साहित्य की पहली एकांकी इसी को ही माना गया है। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ मैं अपना वीडियो एंड करती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये क्वेश्चंस अच्छे लगे। तो इसी के साथ फ्रेंड्स, आप हमारे वीडियो को लाइक करें, लाइक के साथ साथ शेयर करें। थैंक यू फ्रेंड्स।